नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी खबर। हुसैनाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन में आयोजित झारखंड राज्य महासम्मेलन में शिक्षित बनकर हक और अधिकार हासिल करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हुसैनाबाद प्रखंड के अध्यक्ष एवं सह मुखिया लल्लू राजभर ने किया, जबकि संचालन प्रमंडलीय अध्यक्ष उदय राजभर ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने किया। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील राजवंशी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश अरविंद राजभर, प्रदेश अध्यक्ष बिहार रंजीत राजभर, मुखिया लल्लू राजभर ने संयुक्त रूप से किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर वे किसी क्षेत्र में अपना अधिकार पाना चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षित बनने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा समाज शिक्षित नहीं होने के कारण विकास के मामले में पीछे है। उन्होंने महिलाओं को भी साक्षर बनने और अपने बाल बच्चों को शिक्षित बनाने की बात कही। सम्मेलन का उदय राजनीति के साथ साथ समाज एकता कायम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कार्यक्रम के पूर्व ओम प्रकाश राजभर ने हुसैनाबाद के अम्बेडकर चौक, जेपी चौक, गांधी चौक, पटेल चौक स्थित प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। लोगों ने हुसैनाबाद पहुंचने पर उनका स्वागत किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और उस वीडियो को सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।